गुजरात चुनाव को और धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों 6 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। इस दौरान वह पार्टी की तैयारियों का न सिर्फ जायजा लेंगे बल्कि गुजरात फतह का अचूक प्लान तैयार करने में जुट गए हैं। इन चुनौतियों के अलावा अमित शाह के सामने गुजरात में पार्टी के अंदर की खेमेबाजी को भी दूर करने की चुनौती है। इस खेमेबाजी से निपटने के लिए पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बता दें कि गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 99 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन इस चुनाव में परिस्थितियां बदली हुई है। पिछले चुनाव में जहां बीजेपी की लड़ाई सीधे तौर पर कांग्रेस से थी, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल इसके उलट है। एक तरफ कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी मैदान में बीजेपी से दो दो हाथ करने के लिए हाथ पर मार रही है। यही कारण है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। इस योजना के मुख्य किरदार अमित शाह हैं, जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने अचूक योजना तैयार की है, जिससे बीजेपी का मानना है कि इस चुनाव में पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 27, 28 और 29 अक्टूबर को बीजेपी के ऑब्जर्वर सभी सीटों पर फीडबैक लिए जाएंगे और उनकी फीडबैक के आधार पर ही उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। नकारात्मक फीडबैक मिलने पर टिकट कटने की संभावना बढ़ जाएगी। हाल ही में पीएम आवास में हुई बैठक में भी जिताऊ उम्मीदवारों पर ही भरोसा जताने जाने पर सहमति बनी थी। बीजेपी पिछले 2 दशक से गुजरात की सत्ता पर काबिज है, ऐसे में स्वाभाविक है कि सरकार से लोगों की नाराजगी हो जाती है। इसे कम करने के लिए अनपॉपुलर विधायकों के टिकट काटने पर भी फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि पार्टी मानती है कि वोट मोदी के नाम पर मिल रहा है, न कि विधायकों के नाम पर। सूत्र बताते हैं कि लगभग 25% विधायकों का टिकट कट सकता है। बता दें कि गुजरात में प्रवासी लोगों को साधने की योजना है, क्योंकि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां अलग अलग राज्यों के लोग रोजी रोटी के लिए आते हैं। खासकर राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लोगों की बड़ी आबादी गुजरात में रहती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 15 लाख राजस्थानी गुजरात में रहते हैं और इनको साधने के लिए बीजेपी ने नेताओं की फौज उतार दी। ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के नेताओं की भी ड्यूटी गुजरात विधानसभा चुनाव में लगाई गई, जिसकी निगरानी खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। गुजरात पीएम मोदी की रग रग में है, जिसे पार्टी अपना प्रमुख हथियार मान रही है। लोग मोदी में गुजरात की असीमता देखते हैं। इस असीमता को ध्यान में रखते हुए पार्टी की पूरी प्रचार योजना मोदी के इर्द गिर्द है, इसलिए पार्टी मोदी के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ रही है और इसकी योजना पर खुद अमित शाह काम कर रहे हैं। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।